गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश। आज आपके सामने हम चैप्टर की बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और इस टॉपिक का नाम है हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र अपने आप में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सरकार को चलाने के लिए, क्योंकि यह पब्लिक का सिस्टम होता है या लोगों का सिस्टम होता है। इस सिस्टम के माध्यम से पब्लिक खुद चुनाव करती है अपने सरकार का, पब्लिक खुद चुनती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, क्योंकि यह पब्लिक का सिस्टम है या लोगों का सिस्टम है। इसका मतलब ये होता है लोगों का सिस्टम, और लोगों के सिस्टम में यदि लोगों के द्वारा चुना जाता है तो ही माना जाता है डेमोक्रेसी। यह अपने आप रिप्रेजेंटेटिव इसलिए भी होते हैं अच्छे या फिर अच्छे सिस्टम है, क्योंकि यह जवाबदेही होती है इनकी, अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं या जनता के प्रति। हर उस सही और गलत काम के प्रति यह जवाबदेही होते हैं, जनता को जवाब देना पड़ता है। जनता चुनाव करके इनको भेजती है वहां तक, उस असेंबली तक, और जनता फिर उनको हटा भी सकती है अगले चुनाव में। यह अपने आप में सिस्टम है। अब इसमें भी दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम जिसको चुनते हैं सरकार अपने आप में वही बन जाते हैं और वो हमारे हमारे सिस्टम को चलाते हैं डायरेक्टली। कई सिस्टम चलता है इसमें कहीं कोई सिस्टम की पार्ट नहीं होती है, यह बहुत छोटे जगह पर लागू होता है जिसमें डायरेक्ट चुनाव करते हैं और वही काम करते हैं। और इनडायरेक्ट फॉर्म की बात करें तो इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है, जिसमें हम प्रतिनिधि बनाते हैं और उस प्रतिनिधि के द्वारा सरकार बनाकर सरकार को चलाया था। यानी किसी व्यक्ति ने किसी पार्टी के नेता को चुन लिया, वो पार्टी के नेता सरकार बना लिया और सरकार के द्वारा देश को चलाया जा रहा है, ऐसे में उसको रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जिसमें वह रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव को बनाती है, जो चाहे असेंबली में हो जाए और चाहे वह संसद में जाए, वहाँ पर असेंबली उन नियमों को बनाती है, उनको पालन करती है, फिर उसको उसको इम्प्लीमेंट कराता है। यह पूरा सिस्टम जो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कराता है। यह हमें बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक की बात करें तो इसमें भी दो तरह की सरकार होती है, पहली होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि हम सरकार का चुनाव करते हैं, यानी जनता प्रतिनिधि चुनती है, पार्लियामेंट में भेजती है, जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर पार्लियामेंट में भेजती है और पार्लियामेंट सरकार बनाकर उसका देश को रन करती है। उसका जो मुखिया होता है पार्लियामेंट का, वह होता है प्राइम मिनिस्टर, जिसमें उसके द्वारा नियमों को संसद में नियमों को बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और सेकंड में क्या होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, वह जनता के द्वारा चुना हो जाता है, उसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है, लेकिन वह अलग तरीके से इलेक्ट्रल कॉलेज के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव तरीके से चुना जाता है, वह दूसरे तरीके से उसका चुनाव होता है। लेकिन पूरी एब्सोल्यूट पावर जो होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, पार्लियामेंट उसको चलाती है देश को। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात करें तो प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरी तरह से पूरे होल कंट्री को चलाता है अपने तरीके से, उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें कहीं भी कोई भी तरीका इम्प्लीमेंट नहीं होता है पार्लियामेंट का। अब रही बात कि हम आम आदमी या लोकतंत्र में हम सरकार बनाएं कैसे, तो एक होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें देश का, हमारे देश का या और अन्य देशों में अलग नियम बने हुए हैं, देश का, हमारे देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ण व्यवस्था का हो, वह सरकार को बना सकता है, वह अपना वोट दे सकता है। देश का कोई भी नागरिक, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय, गरीब अमीर, कोई भी वोट अपना वोट दे सकता है। वोट देने का अधिकार उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देती है, हमारा संविधान देती है। यानी हम अपने अधिकारों से वोट देते हैं, यानी सिटीजन की उम्र 18 साल से बस अधिक होनी चाहिए, ज्यादा का बार कभी नहीं बना हुआ है, अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक वोट देकर अपनी सरकार को चुन सकता है, अपने प्रतिनिधि को चुनाव कर सकता है। यह पावर हमको संविधान देता है, यह पावर हमको यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी देती है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी दी गई है वो काफ़ी लाभदायक होगी। आप इसका पूरा इस्तेमाल करके अपने पढ़ाई को, पढ़ाई में अच्छे से पढ़ाई करिए, घर करिए,